फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो मेरे ख्याल से आप सब लोग मजे में होंगे। और कुकर की आवाज आ रही है, मैंने सोचा क्या आ रही है। ओके, तो मैंने यहाँ रखे हैं आलू उबलने के लिए। तो मैं कहाँ थी या, तो आप सब लोग मजे में होंगे। कुछ मेरे फ्रेंड्स मायके गए हैं, कुछ ससुराल गए हैं, तो मैं भी मायके आ गई हूँ क्योंकि बहुत बोर हो रही थी घर में। तो आज मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो अभी शाम हो रही है तो सबको कुछ अच्छा अच्छा खाने का मन हो रहा है। तो ये 10 दिन जो दशहरा के हैं तो बहुत टेस्टी टेस्टी रेसिपीज बनती हैं, सबके घर में बनती हैं। तो हम लोग भी ना आज कुछ टेस्टी खाने जा रहे हैं, जो तो हमारा सबसे फेवरेट है और लेडीज का तो मतलब कि जान होती है, तो वो है गोलगप्पे। तो मैं बना रही हूँ गोलगप्पे, लेकिन मैं जो गोलगप्पे की पूरी है ना वो रेडीमेड लूँगी, जो इस टाइप के आते हैं ये बनाऊँगी। लेकिन उसका जो मसाला है उसके लिए जो आलू वगैरह चाहिए होता है वो मैं बनाऊँगी खुद, क्योंकि वो तो रेडीमेड मिलता नहीं है। तो मैं बना रही हूँ, अभी आलू उबलने के लिए रखे हैं मैंने, तो चलिए बनाते हैं। तो आप सब मुझसे ज़रूर शेयर करना कि आप कैसे ये 10 डेज को स्पेंड कर रहे हो, फेस्टिव डेज को, और दिवाली भी आने वाली है। तो देखते हैं आपको एक कभी ले चलते हैं शॉपिंग पे कि हमारे यहाँ किस टाइप की मतलब बनती है इस वाली फेस्टिवल दिवाली वगैरह की क्या क्या चीज़ें मिलती हैं बाहर, तो वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं पानी पूरी खाने के लिए। तो तरह तरह के मसाले चाहिए होते हैं, चटपटे मसाले गोलगप्पे बनाने के लिए। थोड़ा सा फ्लेम लो कर दिया मैंने। ओके, कहाँ थी मैं, यस, गोलगप्पे के पूरी ही नहीं, मेरे पास है गोलगप्पे का जो वाटर होता है ना वो भी है, तो वो भी रेडीमेड है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरे जो पापा हैं वो तो हमारी तरह ये सब नहीं खाते हैं, तो उनको ग्रीन टी चाहिए थी, तो इसीलिए मैं ग्रीन टी भी बना रही हूँ। तो फटाफट से मैं हॉट वाटर कर लेती हूँ, इसीलिए केटल को लगा रखा है। तो अभी उनके लिए ग्रीन टी बनेगी और हमारे लिए यमी यमी। फ्रेंड्स, मायके आने की खुशी एक बहुत अच्छी होती है, मतलब कि बहुत ही दिल को सुकून मिलता है। और मेरा तो ये है कि बहुत पास है तो मैं अक्सर आती ही रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे आना, और यहाँ पे कुछ बनाती भी हूँ कभी कभी। और वैसे तो कुछ काम करती नहीं हूँ, लेकिन ये सब बनाना मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ मेरे मम्मी मुझसे कुछ मांग रहे हैं तो मैं उनकी भी थोड़ी हेल्प कर रही हूँ। तो डैडी कुछ लाए हैं मतलब कि तरकारी वगैरह, तो मम्मी उसी को अलग अलग करने के लिए बैठे हैं, और मेरी जो बहन है वो थोड़ा बाहर काम कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे कुछ बना रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं क्या बना रही हूँ, मैं यहाँ पे जो ऑनियन, ग्रीन चिलीज़ और जो जो चीज़ें लगती हैं गोलगप्पे बनाने, वो सारी चीज़ें तैयार कर रही हूँ। पूरे मसाले जैसे कि प्याज, हरी मिर्च और पुदीना, धनिया, ये सारी चीज़ें कट कर ले रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए इतने सारे फ्लावर्स आते हैं हमारे जो ऊपर प्लांट्स हैं उससे, तो कितने सारे रोजेस आए हैं देखिए। और ये रोजेस तो हमने खरीदे हैं, लेकिन ये जो है प्लांट्स के हैं, मैं आपसे भी शेयर कर रही थी। तो ये मम्मी लोग ना उन सारे फ्लावर्स को इस तरह स्टोर कर लेते हैं। तो पुदीना चाहिए था मुझे इसके लिए, तो वही मैं ढूंढ रही हूँ फ्रिज में, पता नहीं कौन से डिब्बे में रखी है, तो आखिरकार मुझे मिल ही गया। तो यहाँ मैं आ गई हूँ, जो रेडीमेड पूरी बनाने का है वो मैं बना ले रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल लीजिए और उसको
फ्राई कीजिए तो वो राउंड राउंड हो जाते हैं, और ये सबको ही पता है, आजकल हर जगह मिल जाती हैं, ये किसी भी किराना शॉप में ये अवेलेबल रहती हैं। तो बहुत अच्छा है ये चीज़ कि हमको जब भी कुछ खाना मन करे इस टाइप की तो हम ये ख़रीद के और इंस्टेंट बना लें। सिर्फ थोड़े ही बनाएंगे क्योंकि मम्मी, मैं और मेरी बहन ही खाएंगे, तो बाकी का तो पापा तो नहीं खाएंगे। हाँ, अगर अच्छा बन गया तो चख लेंगे। ओह माय गॉड, बहुत गर्म है आलू। तो फ्रेंड्स, मैंने आलू में मिलाया है लाल मिर्च पाउडर, नमक, चाट मसाला और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, पुदीना और ऑनियन एंड ग्रीन चिलीज़। सो इन सबको मिला के मैंने इसको मैश कर लिया है और फिर इसको हम गोलगप्पों में रख के खाएंगे। गोलगप्पे रेडी हैं, चलिए खाते हैं। आप भी एक खा लीजिए, लेकिन इसका पानी मुझे अभी रेडी करना है, फिर खाते हैं। तो बहुत इजी है, जैसा मैंने कहा था, जैसे ये पूरियां रेडीमेड है वैसे ही गोलगप्पों का पानी भी। तो मैंने एक्चुअली इसको एक बॉक्स में स्टोर किया था, ये एवरेस्ट का पानी पूरी मसाला है, तो इसको मैं वाटर में अभी घोलती हूँ और फिर खाते हैं गोलगप्पे। सोच रही हूँ किस बर्तन में मिलाऊं जिससे ज्यादा बने और ज्यादा उसका स्वाद लें हम। तो मैं इस वाले बर्तन में बना रही हूँ। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है। तो मैंने इतना मिलाया, इसमें मैं वाटर ऐड, सॉरी, छींक आ गई। देखो इसमें इतने स्वाद भरे और कड़क मसाले हैं। तो सिर्फ मैंने इसमें वाटर ऐड कर लिया है, सारे मसाले इसमें हैं, तो बहुत यम्मी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। मैं अपने आप को भी रोक नहीं पाऊंगी, तो एक मैं टेस्ट करके आपको ज़रूर दिखाती हूँ। तो चलिए एक गोलगप्पा खाते हैं, एक मेरे लिए, ओके, और इसको मैंने इस तरह से किया, और एक आपके लिए। आपको मैं कैसे दूं, लेकिन खा के ज़रूर टेस्ट बताती हूँ। और इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा पोटैटो जो मैंने बनाया है। एक्चुअली चने वगैरह भी डालते हैं, लेकिन मुझे चाहिए इंस्टेंट। चनों को मैंने भिगोया नहीं था और मुझे अभी इंस्टेंट चाहिए। और मैं इसमें ऐड करूंगी ये वाला पानी, इस तरह का। ये रहे गोलगप्पे, तो एक मेरे लिए एक आपके लिए। पहले आप खा लीजिए। ओके, तो मैं अभी अपना वाला टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत यम्मी बना है फ्रेंड्स, तो मैं बिल्कुल छोड़ने नहीं वाली हूँ। आपसे मिलती हूँ कल के व्लॉग में, और पूरे फैमिली को पहले मैं गोलगप्पे खिला दूँ, फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।